हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि केवी के जो क्लास फर्स्ट का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है वो आप किस तरह से फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो वेबसाइट दे रखी है उस पे जाना होगा, लेकिन मैं यहाँ आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको वेबसाइट को भी याद नहीं रखना है। सिंपली केवी बूंदी में आपको एडमिशन चाहिए तो आप केवी बूंदी के जो वेबसाइट है उसको ओपन करिए। इसी तरह आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन चाहते हैं उसकी वेबसाइट ओपन करिए, वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन का लिंक दे रखा होगा। तो मैं केवी बूंदी की वेबसाइट खोलता हूँ, बूंदी डॉट केवीएस डॉट एसी डॉट इन। तो ये केंद्रीय विद्यालय बूंदी की वेबसाइट का लिंक है, इसको मैंने ओपन किया। तो ये इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी। अब यहाँ पे आप देखिए, अनाउंसमेंट में जाइए। यहाँ अनाउंसमेंट में आपको जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें, यहाँ सब कुछ है, ये स्क्रॉल चल रहा है। अनाउंसमेंट के अंदर विद्यालय जो भी एक्टिविटी होती है विद्यालय के अंदर उसके बारे में यहाँ डाल दिया जाता है, तो आपको हमेशा यहाँ पे अनाउंसमेंट चेक करते रहना चाहिए। ये एडमिशन गाइडलाइन यहाँ दी हुई है, ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल दिया हुआ है, एडमिशन नोटिस दिया हुआ है, और ये देखिए ऑनलाइन एडमिशन लिंक दिया हुआ है। आपको इस पर क्लिक करना है, ये सीधे ऑनलाइन एडमिशन जो केवीएस का हो रहा है उस वेबसाइट पे चला जाएगा, जो कि आपको बताया पहले भी गया है, केवीएस ऑनलाइन एडमिशन डॉट केवीएस डॉट जीओवी डॉट इन। तो आपको ये याद रखना नहीं है, आप सिंपल केंद्रीय विद्यालय की वहाँ से वेबसाइट से भी जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस डैशबोर्ड से मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोफॉर्मा डॉक्यूमेंट सैंपल्स हैं, प्रिंट एप्लीकेशंस है, चेक एप्लीकेशन स्टेटस है। ये प्रिंट एप्लीकेशन और चेक एप्लीकेशन स्टेटस जब काम आएगा जब आप फॉर्म भर चुके होंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सबसे पहले आप, फिर आप हमेशा इसी रजिस्ट्रेशन यूजीआईडी पासवर्ड से लॉग इन करेंगे तो आप अपने बच्चे की डिटेल्स देख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है इस फॉर्म को भरने से पहले। ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, आज 20 तारीख है, 20 जुलाई, और 10 बज चुके हैं, तो ये आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ है कि आपको फॉर्म भरने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जिनको आप पहले से तैयार रखें। ए वैलिड मोबाइल नंबर विथ इंडियन सिम कार्ड, ए वैलिड ईमेल एड्रेस, ए डिजिटल फोटोग्राफ और स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड सीकिंग एडमिशंस, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 256 KB से कम साइज होना चाहिए। ए स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी जेपीजी में होना चाहिए, और पीडीएफ में भी ले सकते हैं इसको, ये भी 256 KB से कम होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, अगर आप आरटीई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ट्रांसफर डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हुज सर्विस क्रेडेंशियल्स विल बी यूज इन द एप्लीकेशंस, अगर पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हुआ है लास्ट 7 ईयर के अंदर तो वो सारी ट्रांसफ़र डिटेल्स आपको बतानी होगी, तो उसका भी सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ चाहिए होगा उसको अपलोड करने के लिए, सर्विस सर्टिफिकेट्स। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से रेडी रखना है फॉर्म भरने से पहले। फॉर्म भरने के लिए आपको दो स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल, आपको पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना होगा जिसका लिंक यहाँ टॉप पे दिया हुआ है रजिस्टर करने के लिए। फिर रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन कोड मिलेगा जिसे आपको संभाल के अपने पास लिख के रखना है ताकि आप उसी से लॉगिन कर पाएंगे। फिलिंग एंड सबमिटिंग एप्लीकेशन, लॉगिन कोड मिलने के बाद आप उससे लॉगिन होंगे और फिर आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे करेक्टली इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग और उसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आप विद्यालय की तीन चॉइस देख सकते हैं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं 5-7, उसमें से आप तीन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि आपके घर के नियर बाय हैं, और तीन से कम है तो फिर जितने होंगे उतने ही आपको लिखने होंगे। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आप सबमिट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करेंगे और सक्सेसफुल सबमिशन होने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा जो कि लॉगिन कोड से अलग होगा, इसको भी आपको अच्छे से लिख के रखना है। आपको ये एप्लीकेशन सबमिशन कोड संभाल के रखना है, जब अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स
अप्लाई किए थे ऑनलाइन टाइम पे, सबमिट किए थे, उसको आप ओरिजिनल आपको विद्यालय में दिखाने होंगे। तो आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी संभाल के रखिए कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, वो आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे विद्यालय में। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप रजिस्टर्ड कर लें, आपको लॉगिन कोड मिल जाए, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे भी जाना होगा, एप्लीकेशन फिल और करना है, उसको सबमिट करना है, तब कंप्लीट ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। केवल रजिस्टर्ड करने से आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा, आपको दोनों ए और बी पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट में दिए हुए हैं उनको फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन इज़ नॉट सबमिटेड एंड योर एप्लीकेशन डाटा विल नॉट बी विजिबल टू KVS अंटिल यू रिसीव एन एप्लीकेशन सबमिशन कोड फ्रॉम द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। आप फिल करने के बाद जब तक आपके पास सबमिशन कोड नहीं आ जाए, एप्लीकेशन सबमिशन कोड, तब तक आप ये मान के चलिए आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुए है। जैसे ही आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल जाता है तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और उस फॉर्म को KVS में देख पाएंगे और उसको प्रोसेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन एंड सबमिटिंग एन एप्लीकेशन रिक्वायर्स यूज ऑफ वन टाइम पासवर्ड OTP डेट इज सेंड बाय SMS टू द नंबर मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप जो नंबर देंगे उस पर आपको OTP आएगा, उसी से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। यू आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रजिस्टर योर ऑन मोबाइल नंबर विथ इंडियन सिम कार्ड एंड नॉट डेट ऑफ रिलेटिव, फ्रेंड्स, एजेंट्स, साइबर कैफे ऑपरेटर्स और अदर। आपको अपना ही नंबर रजिस्टर करवाना है यहाँ पे, आप किसी और का नंबर रजिस्टर मत करवाना, ताकि सारी डिटेल्स आपको इसी नंबर पे मिलेगी। डिटेल्स प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली चेंज इन द एडमिशन फॉर्म, प्लीज इंटर दीज डिटेल्स करेक्टली एंड एग्जैक्टली एज पर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस लाइक बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल विद डैम। आपको एक बार आपने जो डिटेल्स इसमें ऑनलाइन फिल कर दी है, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप जब भी फॉर्म भरें तो आप करेक्ट डिटेल्स को ही फिलअप करें, ताकि आपके एडमिशंस, आपके बच्चे के एडमिशन होने में प्रॉब्लम नहीं हो। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो वहाँ पे देखिए, बाय क्लिकिंग द सेव एप्लीकेशन बटन द फॉर्म इज ऑनली सेव्ड फॉर यू टू कंटिन्यू फिलिंग इट इन अ लेटर सेशन। द फॉर्म इज नॉट सबमिटेड टू KVS बाय क्लिकिंग ऑन द सेव एप्लीकेशंस बटन। द ओनली वे टू सबमिट द फॉर्म टू KVS इज बाय क्लिकिंग ऑन द सबमिट एप्लीकेशन बटन आफ्टर फिलिंग द इंटायर फॉर्म एट द एंड ऑफ विच एन एप्लीकेशन सबमिशन कोड इज जनरेटेड। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप सेव का भी ऑप्शन आएगा, ताकि आप उसको बाद में भी फिलअप कर सकें, लेकिन जब तक आप उसको सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे ही आप एक बार सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल जाएगा, तो आप मान के चलिए आपका फॉर्म सबमिट हो गया है सक्सेसफुली। और यहाँ लिखा हुआ है देखिए, वंस एन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड एंड एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेटेड, द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड। तो आप ध्यान रखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है एक बार में ही अच्छे से करेक्ट देनी है, आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जब तक आपने सेव किया हुआ है तब तक तो आप उसको देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने सबमिट कर दिया उसके बाद नहीं कर पाएंगे। अब सपोज कीजिए आपसे बाय मिस्टेक गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कि आप क्या कीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए। जो आपने फॉर्म भरा है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें कुछ गलती हो गई है, तो आप वहाँ पे आपको एक कैंसिल बटन मिलेगा, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो सबमिट किया है वो कैंसिल हो जाएगा, वो KVS को नहीं दिखाई देगा। जब आप कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा, उसको आपको एंटर करना है, ताकि बाय मिस्टेक कैंसिलेशन ना हो, इसलिए ये OTP प्रोसेस रखा हुआ है। फिर आप एक बार जब इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको दोबारा लॉगिन करना होगा अपने वही लॉगिन कोड से जो आपको पहले मिला था। दोबारा रजिस्टर नहीं करना है, जो पहले लॉगिन कोड मिला था उसी से आपको वापस से लॉगिन करना है। फिर आप वापस से अपने फॉर्म को फ्रेश फिलअप करेंगे तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड दोबारा से मिलेगा। जो पुराना वाला है वो काम नहीं आएगा, वो डाटा KVS से हट गया है। तो आपको दोबारा से आप भर सकते हैं जो आपकी करेक्ट डिटेल्स है। जब भी आप अपने विद्यालय से, जो भी आप जिस विद्यालय में आप अप्लाई कर रहे हैं KV के, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन सबमिशन कोड ही बताना है, आपका लॉगिन कोड वहाँ नहीं बताना है, केवल एप्लीकेशन कोड की ही ज़रूरत पड़ेगी, उसी से वो ट्रेस कर पाएंगे। तो ये तो बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसके अलावा कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं।
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आगे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, उसके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। द ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है। रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। रजिस्ट्रेशंस ऑफ फर्स्ट टाइम यूज़र, जब आप पहली बार इस पे आ रहे हैं पोर्टल पे, इस वेबसाइट पे, तो आपको पहले रजिस्टर्ड करना होगा। और सेकेंड टाइम जब आप आएँ तो आप उसी रजिस्ट्रेशन लॉगिन कोड जो आपको मिल जाएगा उससे आपको लॉगिन करना है हर बार। फिर थर्ड स्टेप, लॉगिन साइन इन टू द एडमिशंस एप्लीकेशन पोर्टल, आपको लॉगिन करना है। फिलिंग इन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो दिखाई देगा उसको फिल करना है और अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। रिव्यूइंग फॉर्म, चेकिंग डिक्लेरेशन एंड सबमिटिंग फॉर्म, आपको एक बार थ्रू आउट चेक करना है कोई मिस्टेक से, कोई गलती से, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं रही जो आपको गलत हो गई है। और फिर चेकिंग डिक्लेरेशन क्लिक करना है, सबमिट करना फॉर्म। आपको जैसे आप सबमिट करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ सबमिशन आ जाएगा, एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपको मिल जाएगा जो कि आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे सारा यहाँ पे दे रखा है आपको प्रोसेस, ये सब आप फॉलो करिए। इंस्ट्रक्शंस हैं ये देखिए, ये आपको पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो पूरा दिखा दे रखा है। आपको इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर करना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे काउंट होगी वो भी यहाँ दे रखी है। यहाँ पे चाइल्ड ग्रैंडपेरेंट केवीएस का है तो आपको ग्रैंड चाइल्ड का भी बेनिफिट मिलता है। ये सब आप पढ़िए अच्छे से। फिर लॉगिन के लिए कोड, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, जिस पर OTP आएगा। अब यहाँ पे देखिए, फिलिंग इन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको 5 सेक्शन में मिलेगा, ईच और ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड अंडर ए सेपरेट टैब। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट सेक्शन एंड हेडलाइन, एक अलग अलग आपको ये हेडलाइंस मिलेगी, उसके इंफॉर्मेशन आपको भरनी होगी। बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी होगी, ये अलग सेक्शन होगा। पेरेंट्स डिटेल भरनी होगी जो अलग सेक्शन है। चॉइस ऑफ स्कूल है वो अलग से सेक्शन है। अपलोड डॉक्यूमेंट, ये अलग सेक्शन है। डिक्लेरेशन एंड सबमिट, ठीक है, ये सब आपको करना होगा। ये जब कंप्लीट फिल हो जाएगा तभी आपका फॉर्म फिल माना जाएगा। अब ये देखिए, और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन से ये सब आपको पढ़ने हैं जब आप फॉर्म भरने जाएँ सबसे पहले, तभी आप समझ पाएंगे कैसे क्या भरना है। ये पेरेंट्स की डिटेल में क्या भरना है ये यहाँ दे रखा है। एक एक चीज़ का इंस्ट्रक्शंस यहाँ आपको दिया हुआ है। आपको ये कैटेगरीज का मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो KVS में कैटेगरी वाइज एडमिशन्स होते हैं। तो कैटेगरी देखिए, केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर, कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में चिल्ड्रंस ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड चिल्ड्रंस ऑफ एक्स सर्विस मैन आते हैं। दिस विल ऑल्सो इंक्लूड चिल्ड्रंस ऑफ फॉरन नेशनल ऑफिशल्स हु कम ऑन डेपुटेशन और ट्रांसफर टू इंडिया ऑन इन्विटेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इम्प्लॉयज़ कैटेगरी 1 में आते हैं, इसमें इनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है एडमिशन के अंदर। कैटेगरी 2, चिल्ड्रंस ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये जो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं गवर्नमेंट्स की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेकेंड कैटेगरी सेकेंड में आते हैं, जो ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल दोनों। कैटेगरी 3, चिल्ड्रंस ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो कैटेगरी 3 में आते हैं। कैटेगरी 4 में आते हैं चिल्ड्रंस ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडी, लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो ऑटोनोमस बॉडी स्टेट गवर्नमेंट की है वो फोर्थ कैटेगरी में आती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑटोनोमस बॉडी है वो सेकेंड कैटेगरी में आती है। फिर 5th है चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल हु आर लोकेटेड इन इंडिया ड्यू टू देयर वर्क फॉर एनी पर्सनल रीजन। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल वुड बी कंसिडर्ड ओनली इन केस देयर आर नो इंडियन नेशनल वेट लिस्टेड फॉर एडमिशंस। तो ये जो अदर जो प्राइवेट सेक्टर्स के हैं वो कैटेगरी 5 में आते हैं। तो इसी सिक्वेंस में एडमिशन को प्रेफरेंस मिलती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ देखिए आप, केंद्रीय विद्यालय अंडर इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग, ये तो था डिफेंस और सिविल सेक्टर के स्कूल जो होते हैं। हायर लर्निंग के लिए ये अलग कैटेगरीज का प्रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे।
ये अलग तरीके से चलता है इसका, तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। जनरली सिविल और डिफेंस के स्कूल ही होते हैं, हायर लर्निंग वाले बहुत कम होते हैं। जो हायर लर्निंग वाले हैं वो इसको फॉलो करेंगे। केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स के भी होते हैं कुछ स्कूल, तो वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। प्लीज़ फिल द टेबल विद ट्रांसफर डिटेल ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2013 ऑनवर्ड। तो आपको एक ट्रांसफर जो पेरेंट्स से जिसके उसका अगर ट्रांसफ़र हुए हैं लास्ट 7 ईयर में, तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ भरनी पड़ेगी। इंटर ट्रांसफर डिटेल्स विच आर टू बी कंसिडर फॉर एडमिशन, टू एड ए न्यू रो इन द टेबल क्लिक ऑन एड ट्रांसफर डिटेल बटन, टू टू डिलीट ए रो क्लिक एंड डिलीट बटन। आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कौन से ट्रांसफ़र काउंट होंगे। ऑल ट्रांसफर डिटेल दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ डिस्टेंस बींग एटलीस्ट 20 किलोमीटर्स, मतलब पेरेंट्स का जो ट्रांसफ़र है वो 20 किलोमीटर से दूर होना चाहिए। अगर 20 किलोमीटर के अंदर है तो उसको ट्रांसफ़र काउंट नहीं माना जाएगा। एंड मिनिमम पीरियड ऑफ स्टे बिंग एटलीस्ट 6 मंथ विल बी ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाइड। आपको मिनिमम 6 मंथ उस जगह पर रहना होगा तभी वो ट्रांसफ़र माना जाएगा। विल नॉट बी स्टोर्ड एंड विल नॉट बी काउंटेड एज एलिजिबल ट्रांसफ़र फॉर पर्पज ऑफ एडमिशन। अगर आप 6 महीने से कम रहे हैं तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, और 20 किलोमीटर से कम ट्रांसफ़र हुआ है तो वो ट्रांसफ़र नहीं काउंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ और डिटेल्स हैं जो आपको फिलअप करनी है उसके बारे में बता रखा है। ये आप केयरफुली पढ़िए, बहुत सिंपल है, इसको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। फिर ये लास्ट है जो सबमिट करने का तरीका बताया है इसने, और रीअप्लाई करने का तरीका बताया। अगर गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है आप कैंसिल करते हैं तो रीअप्लाई भी सेम लॉगिन कोड से कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रोफोमा डॉक्यूमेंट सैम्पल्स बता देता हूँ जो आपको अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोफोमा डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन बिटवीन, यहाँ पे प्रोफोमा दे रखे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस। तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है स्कूल के से डिस्टेंस है, उसका प्रोफोमा यहाँ दे रखा है। सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका सर्विस सर्टिफिकेट है जो आपको डिपार्टमेंट से साइन करवा के यहाँ पे देना है। और फॉर्मेट्स सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस सर्टिफिकेट है। एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसका यहाँ पे दे रखा है। डाइड इन हेयरनेस सर्टिफिकेट, ये अगर किसी की मृत्यु हो जाती है अननेसेसरी। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो ट्रांसफ़र के लिए बनना है वो है। तो ये सर्टिफिकेट्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने डाउनलोड कर लिए थे मैं आपको वन बाय वन इनको दिखाता हूँ। जैसे ये सर्टिफिकेट और नंबर ऑफ ट्रांसफ़र, ये आपको फिलअप करना है, इसको स्कैन करके बस आप डाउन अपलोड करना है। तो इसको आप भरिए और यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे आप, काउंटर साइन करवाना आपको सक्षम अधिकारी जिस भी आप डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनसे साइन करा के आपको देना होगा। इसी तरह ये सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस, आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी बतानी होगी आपके स्कूल से कितनी डिस्टेंस पे हैं आप। तो बेसिकली 5 किलोमीटर तक के रेंज में ही दिया जाता है एडमिशंस। तो आपको ये डिक्लेयर करना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन कि आपका घर कहाँ पर है रेजिडेंस। ये सर्विस सर्टिफिकेट है जो कि आप जिस भी जगह काम करते हैं उसके वहाँ से आपको ये करवाना पड़ेगा सिग्नेचर, और इसको अपलोड करना होगा। सर्विस स्टेट गवर्नमेंट के लिए था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। तो इसे आप भरिए और इसको आप करिए फिलअप। ये अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पे ये एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और स्कूल में देना पड़ेगा कि आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है। अगर ऑन ड्यूटी किसी की डेथ हो जाती है तो उसका भी सर्टिफिकेट बनता है और उनको प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए इनको भी ये सबमिट करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इसके बाद मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे फिर आप ये जनरल इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ चुके होंगे, तो आप यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर्स पे क्लिक करके आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे ये देखिए बच्चे का नाम वगैरह ये सब चीज़ डिटेल्स मांग रहा है, ये आप फिलअप करके रजिस्टर्ड कर देंगे तो लॉगिन कोड मिलेगा। लॉगिन कोड मिलने के बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप फिलअप करेंगे। आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। थैंक यू।